मेरे लिए शॉपिंग? जी जी, कुछ आपके लिए भी ड्रेसेस लेने आया हुआ था। आप अपनी चॉइस के ले रहे हैं? नहीं नहीं, मामा की चॉइस से, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। आप खामोश क्यों हो गई, बात क्यों नहीं कर रहे? बस कुछ नहीं, यूं ही। एक्चुअली उनके और हमारे जमाने में बहुत फर्क है ना। अब जो उन्होंने मुझे एंगेजमेंट पे रिंग पहनाई थी, मैं वही देख के बोल रही हूँ। आई सी। अब अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आखिर बाद में कर लेना, मैंने कुछ कपड़े पसंद किए हैं। माँ, अभी कपड़े रहने देते हैं ना? क्यों रहने देते हैं? ये मुझे बड़ा अरमान है कि मैं अपनी बहू के कपड़े अपने हाथों से लूं। तो मैं बाद में आकर खुद ले लूंगा। अच्छा, फिर तुमने कब से जनाना कपड़े खरीदना शुरू कर दिए? और तुम्हें पता है कि दुल्हन के कपड़े कैसे होते हैं? मैं दरअसल वो अनम को ना पुराने डिजाइन के कपड़े और ज्वेलरी पसंद है। अनम ने कहा? नहीं नहीं, उसने नहीं कहा। उसको तो वो पुरानी अंगूठी भी पसंद ही है। हाँ मां, दरअसल वो बेटा, तुम्हें माँ होती है, तुम्हारे अंदर क्या है समझते। पर अभी जो कुछ तुम कह रहे हो, ये किसकी सोच है, उसे भी जान दो। मत समझाओ माँ को। उनके कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारी तो जबान भी तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं देगा। ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। शादी के बाद उसकी पसंद की खरीदारी करा दे। तो किससे झगड़ के आए? उससे जिसकी अनम के साथ शादी हो रही है। झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? आज अगर वो ना होता ना, तो मेरी शादी हो रही होती अनम के साथ। बेवकूफ, फिर भी ना हो रही होती। देखा नहीं किस तरह शाकिर ने सारे अगले पिछले ताल्लुक तोड़े हुए हमसे, और आज के बाद तो हो ही नहीं सकती। मैं नहीं जानता, मैं अनम से ही शादी करूंगा। नवीद पागल तो नहीं हो गया? बात सुन मेरी नवीद, बेवकूफ लड़के इधर।